यार आपने रब ने बना दी जोड़ी तो फिल्म देखी होगी। ये जोड़ी सामने आपकी आ गई ना, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, 8 चौके और 6 छक्के भाई, वाकई सिर फाड़। भाईजान आज लखनऊ का लखन निकाल के रख दिया यार। 30 बॉलों पे 89 रन, यकीन करें कि ऐसी हिटिंग नहीं देखी। 28 बॉलों पे 75 रन, कमाल की परफॉर्मेंस आज। अभिषेक शर्मा कहां से आ गया यार, ये एक छोटा सा बच्चा आगे धूम मचा गया पूरे आईपीएल के। इंडिया गलती कर गया, इस जो जम प्लेयर है ना, डायमंड को लॉस्ट कर दिया इन्होंने, वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए। इस तरह का एक एक्स फैक्टर आपको चाहिए, इस तरह का यंग लड़का चाहिए जो आते सार मारना शुरू कर दे। अभिषेक शर्मा क्या करे यार, तुम्हारी मेहरबानी है भाई, बॉलों की जान निकालनी यार, आगे बॉलरों को मारी जा रहे, ये माफी दे दो यार बेचारे, वो भी खेल रहे हैं, तुमने तो उनको फेंटा लगाना शुरू कर दिया, छोड़ दे तेरी मेहरबानी, तू उनसे भी सीनियर नहीं है, जूनियर होकर उनको फेंटा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सरने जी, हैदराबाद ने आज लखनऊ को रुला डाला यार, क्या वो कहते हैं ना, मारा कम है किसी डा ज्यादा, कैसी बैटिंग लगी आपको, दो आए वही दोनों स्कोर चेज कर। इधर से करेंगे जस्टिस फॉर एलएससी, भाई हमें जस्टिस चाहिए। और यार इतना कौन मारता है, 58 बॉलों पे 167 रन और 10 विकेट्स भी हाथ में पड़ी हैं, और यार एक आ रहा है 6 छक्के मार रहा है, दूसरा 8 छक्के मार रहा है, भाई साहब बॉलर्स की कोई इज्जत नहीं है, वो बेचारे घर से खेलने नहीं आए हुए क्या यार, टारगेट मैच ही जीतना था, 15 ओवर में बना लेते, कोई 2 विकेट उनको दे देते, वो जाके शर्मा शर्मी घर में जलील तो ना होते, अब क्या जवाब देंगे जाके। आज तो राहुल बॉलर से दे रहा था, बॉलर बाहर की तरफ देख रहे थे कि यार हमें बाहर भेज दो, इंजरी करवा दो, कुछ करवा दो, हमने ग्राउंड में नहीं आना यार। मतलब कि 30 बॉलों पे 89 रन, यकीन करें कि ऐसी हिटिंग नहीं देखी। 28 बॉलों पे 75 रन, कमाल की परफॉर्मेंस आज। यार आपने रब ने बना दी जोड़ी तो फिल्म देखी होगी, ये जोड़ी सामने आपकी आ गई ना, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की, भाई वाकई रब ने बना दी जोड़ी यार। एक बंदा आया घर से उठ के आया, ट्रेविस हेड 89 स्कोर, उसके बाद 8 छक्के 8 चौके, दूसरा अभिषेक शर्मा 8 चौके और 6 छक्के, भाई वाकई सिर फाड़ और बहुत ही लेवल वाली परफॉर्मेंस करके दिखा दिया आज। आईपीएल ने आज हिस्ट्री बना दिया, आईपीएल इज जस्ट मेड फॉर हिस्ट्री। इंडिया ना टैलेंट की कदर करता है, वो अभिषेक टैलेंट से आया, वो पर्ची से नहीं आया, मसला आप पर्ची से लेते हो, हम लोग पर्ची से लेते हैं, वो टैलेंट की कदर करते हैं। अभिषेक शर्मा जो है ना, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, पहले ही परफॉर्म अच्छा करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप में जगह बनती थी अभिषेक शर्मा यार, ये गलत किया ना, इसको रिफ्यूज किया, देखो शायद 23 मई तक दोबारा चेंजिंग हो सके स्क्वाड में, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है, 23 का स्क्वाड अपना चेंज कर सकते, शायद पांडे को निकाले, छपरी को निकाल दे, शायद इसको रख दे। मकसद क्या है कि जो अभिषेक शर्मा के डिजर्व करते थे भाई, वो बंदे, क्योंकि जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इन्होंने आईपीएल के अंदर जो परफॉर्म किया, सनराइज में हिस्ट्री बनाई है भाई, अभी तक कोई टीम ने हिस्ट्री बनाई जो उन्होंने ये बनाया, अभी 287 की भी ने हिस्ट्री बनाई है, और ये 9 ओवर 4 बॉलों के अंदर भी जो स्कोर किया, ये भी हिस्ट्री बनाई है। और अभिषेक शर्मा भाई आने वाले वक्त का जो है ना, विराट कोहली रोहित शर्मा और आने वाले वक्त में आउटस्टैंडिंग बैट्समैन बनेंगे पूरी दुनिया में इनकी हाइप है। शुभमन गिल को उठाते थे, शुभमन गिल ने कोई परफॉर्म किया, ये अभिषेक चल रहे हैं और अभिषेक परफॉर्म कर रहे हैं। सनराइज हैदराबाद का रिकॉर्ड बनानी है, ये कोई टीम इनको कम्पीट नहीं कर सकती। सर देखें, अपना रिकॉर्ड खुद ही बनाएंगे, खुद ही तोड़ेंगे, पहले 125 6 ओवर में किया, आज 6 ओवर में 107 रन कर दिया, कोई टीम मैक्सिमम भी कोई टीम करती है 6 ओवर में 70-75 रन, इससे ऊपर नहीं। भाई साहब आज अगर पहले बैटिंग कर रहे होते 350 आपको देखने में मिलता, आज दुनिया की तारीख में हिस्ट्री बन जाती, आज भी बनी है, मतलब 10 ओवर से आप जीत गए हो, 10 विकेट से मैच जीत गए, 170 रन चेज किए 10 ओवर के अंदर अंदर। यकीन करें कि ऐसी फॉर्म से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे 3-4 मैच सनराइज हारी, सबने कहा कि जी बाहर हो गई है, लेकिन भाई आज जो ग्रैंड कमबैक हुआ है, कौन सी टीम का आपको इनके साथ फाइनल में नजर आ रही है, क्योंकि सनराइज हैदराबाद तो फाइनल में नजर आ ही रही है, क्या टॉप में जाएगी आपकी? सर देखिए, सनराइज और सीएसके यही टीम है जो आपस में कम्पीट करेगी, ये 50-50 पे है, ये नहीं बोल सकते वो जीतेंगे वो, दोनों साइड पे इंडिया के स्टार्स भी हैं, दोनों साइड से बाहर के भी अच्छे स्टार्स मौजूद हैं। मुकाबला जो है ना, वो थाला वर्सेस पैट कमिंस होने वाला है, जो रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस हुआ था, अब उसका बदला लेगा थाला। मुझे लगता है कि सीएसके वर्सेस सनराइज हैदराबाद इज लोटिंग। यार अभिषेक शर्मा कहां से आ गया यार, ये एक छोटा सा बच्चा आगे धूम मचा गया पूरे आईपीएल के। इंडिया गलती कर गया, इस जो जम प्लेयर है ना, डायमंड को लॉस्ट कर दिया इन्होंने, वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए। इस तरह का एक एक्स फैक्टर आपको चाहिए, इस तरह का यंग लड़का चाहिए जो आते सार मारना शुरू कर दे, उसे डरना हो मैं आउट हो जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं, नीचे किंग कोहली पड़ा है। यकीन करें, अगर ये लड़का वर्ल्ड कप में होता तो इंडिया के चांसेस 15-20% मजीद बढ़ जाते। वही ना, अब केएल राहुल वाले और एलएसजी वाले लोग जाकर घर कह गए, यार अम्मी दो बंदे आए थे इतना मारा यार। अब देखे 9.4 बॉलों के अंदर टारगेट चेज, या तो हो ना कोई बहुत ही 10 ओवरों का मैच जा रहा है, 15 ओवरों का जा रहा है, बंदा मारता भी अच्छा लगता है इतना। और T20 के अंदर यार ट्रेविस हेड को पता नहीं क्या कोई पर्सनल इशू है इंडिया की पिचेस के साथ, के आते साथ ही 89 8 छक्के 8 चौके, उसके बाद चलो ट्रेविस हेड तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है इंटरनेशनल का, अभिषेक शर्मा को क्या हुआ यार, 79 की इनिंग, 70 प्लस की इनिंग खेल कर गया, 8 चौके और 6 छक्के, ये कौन मारता है यार। ये देखिए ना, लोग कहते हैं ना कि आईपीएल की फ्लैट पीछे है, भाई बेशक फ्लैट पीछे है लेकिन उनकी इनिंग्स देखने के ना मजा आता है। मैं भी घर से निकला ही था एलएसजी की जब इनिंग खत्म हुई है, यहाँ तक आया हूँ कि 10 आधे घंटे के वाकले के अंदर मैच खत्म, मैं को ये क्या हो गया,
ऊपर से आप देखे ना 165 का टारगेट था वो भी खत्म कर दिया। आप देखे ना कौन सा ओवर नहीं था जिसके अंदर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने एलएसजी के बॉलर का रेप ना किया हो। बिल्कुल ऐसा ही देखे ना, हेड तो ठीक है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, ये अभिषेक शर्मा क्या खा के आया है यार। सर देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 23 तारीख से पहले फाइनल स्क्वाड जैसे जाता नहीं होता हर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का, वैसे अभिषेक शर्मा ने आज परफॉर्म करके बताया कि भाई बीसीसीआई वाले आंखें खोलो, मेरी तरफ भी देखो, मैं भी बहुत बड़ा बैट हूँ, मुझे यूटिलाइज करो, मैं बदले लूंगा आप लोगों के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के थे और फाइनल का जो बदला था ना। अभिषेक शर्मा वाकई डिजर्व करता है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जाकर। यार अब देखिए सारा क्रेडिट जाता है ना तो ट्रेविस हेड को जाता है और उसके बाद अभिषेक शर्मा को जाता है। पैट क्यूमिंस ने तो यार आज बड़ी मार खाई है, 47 ओवरों में एक विकेट ले गया, लेकिन आज देखे ना दूसरी साइड से अगर बात करें यार, व्हाट अ कैप्टनशिप है पैट क्यूमिंस, बॉलिंग साइड से तो चलाई नहीं, बैटिंग साइड से क्या चलाई है यार, एक भी विकेट लूज नहीं होने दी। ये मुझे लगता है आईपीएल इस सीजन का ना सबसे बड़ा मैच हुआ, बेशक टारगेट बड़ा नहीं था लेकिन कम 9.4 ओवरों के अंदर टारगेट चेज करवा दिया, वो भी कहां हो सकता है आईपीएल के हो सकता है जहां पे भाई ट्रेविस हेड, पैट क्यूमिंस और अभिषेक शर्मा जैसा बैटर और कैप्टन मौजूद हो। यही समझ नहीं आ रही, 9 बॉल 4 गेंदों में उन्होंने कर लिया और जिस तरह से आज भी इन्होंने हिस्ट्री बनाई, मुझे अभी तक हमने मैच देख के आईपीएल में किसी बंदे किसी टीम ने इतना स्कोर नहीं बनाया था पहले 287 और किसी भी टीम ने इतना 9 ओवर 4 बॉलों के अंदर पूरा चेज कर लिया, रिकॉर्ड बना दिया आज भी सर यार। वो पता नहीं पैट कमिंस क्या खा के, हलवा खा के, आज उसकी बर्थडे भी थी, पता नहीं क्या खा के भाई, आज तो उसने अपनी टीम को फिर भाई हिस्ट्री बनवा दी उसने, पता नहीं ट्रेविस हेड तो परफॉर्म करते ही रहते हैं, अभिषेक कहां से निकला है यार, कहाँ से निकला है वो भाई, अच्छा परफॉर्म करता है अभिषेक, बहुत आने वाला मुझे लगता है विराट कोहली है वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो। अभिषेक शर्मा ने यार 26 बॉल 28 बॉल में 28 75 कर गए, किसने किया अभी तक, कोई ऐसा बैट्समैन देखा आपने, कोई भी हमने अभी आईपीएल के अंदर कोई ऐसा बैट्समैन देखा ही नहीं है जो ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, इतनी यार फास्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और 9 ओवर 4 बॉलों के अंदर परफॉर्म कर लिया भाई। ट्रेवर्स हेड पता नहीं यार, ट्रेवर्स हेड ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ ट्रेवल साइड परफॉर्म करो, पैट कमिंस जो अपनी कप्तानी लेके आए आउटस्टैंडिंग, यार मजा आ गया मैच में यार, 9 ओवरों के अंदर पूरा स्कोर ही कर दिया। अभिषेक शर्मा क्या करे यार, तुम्हारी मेहरबानी है भाई, बॉलरों की जान निकालनी है, आगे भी बॉलरों को मारी जा रहे, ये माफी दे दो यार बेचारे, वो भी खेल रहे हैं, तुम तो उनको फेंटा लगाना शुरू कर दिया, छोड़ दे तेरी मेहरबानी, तू उनसे भी सीनियर नहीं है, जूनियर होकर उनको फेंटा लगा। भाईजान आज लखनऊ का लखन निकाल के रख दिया यार, जिस तरह मारा आज ट्रेवल साइड ने, जिस तरह कमबैक किया यार, क्या खा के आए थे यार ट्रेवल साइड और अभिषेक यार, न्यू मर्जिंग टैलेंट, आज की यार परफॉर्मेंस इतनी माइंड ब्लोइंग और आउटस्टैंडिंग, मैं बिलीव करो कमाल कर गए यार। देखो जिस तरह 8 छक्के 8 चौके ट्रेवल साइड, अभिषेक 6 छक्के 8 चौके यार, क्या कमाल की इनिंग खेल के गए। अभिषेक आपको वर्ल्ड कप में स्क्वाड में जगह बनती नजर आ रही है यार, जिस तरह की अभिषेक की परफॉर्मेंस आपने देखा होगा पिछले कुछ मैचेस में, अभिषेक की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी लेकिन आज जिस तरह यार अग्रेसिव बैटिंग दिखाई है सनराइज हैदराबाद की टीम ने और अभिषेक ने स्पेशली कमबैक किया, आपने देखा होगा लास्ट टाइम ट्रेविस हेड ने भी जो है 50 तक स्कोर किया था, इतना 45 या 55 इससे ऊपर नहीं जा रहा था उसकी, यानी कि परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। आज जिस तरह ट्रेविस हेड और अभिषेक ने, मुझे लगता है कि काव्या ने इनकी काफी कुत्तों वाली की और क्लास लिया है कि ठीक खेल के ना आए, सही तरह अपनी बैटिंग आपने ठीक ना की तो आपको बाहर निकाल देंगे। आज उन्होंने जिस तरह अग्रेसिव खेला ना, मुझे तो विराट कोहली की याद आ यार। अभिषेक शर्मा क्या खा रहे हो हमें भी बताओ, ताकि हम अपने पाकिस्तानी बैट्समैन को भी वो बताएं, ताकि वो भी यानी कि अपनी फॉर्म में आए और इस तरह के छक्के चौकों की बारिश करें। आप लोगों ने तो यार दिल जीत के रख लिए, जिस तरह आज आपने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, 8 छक्के 8 चौके 8 चौके 6 छक्के, आप तो हिस्ट्रियों पे हिस्ट्री बनाते जा रहे हो। ऊपर से एक और बात, IPL ये 2024 का IPL का फर्स्ट मैच ऐसा होगा जिसने अपना 9 पॉइंट समथिंग बॉलों पे